गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.6 का अध्ययन करेंगे। इसको हम लोग सीखेंगे। 1.7 है, मिस्टेक हो गई। 1.7 में सबसे पहले हमें समझना क्या है, राउंड ऑफ द नियरेस्ट टेन। राउंड ऑफ नियरेस्ट टेन का मतलब है कि जैसे 10 to 90 या 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इसमें हमें 10 के राउंड में लिखना है। 10 के राउंड का मतलब जैसे यहां 82 है, ध्यान दीजिए 82 किस 10 के लिए लिस्ट होगा, मतलब 10 का मतलब जैसे 110 अगर कहा जाए तो 110 का मतलब 10, 210 का मतलब 20, ठीक है। यानी 82 है तो ये 82 एक 10 के नियरेस्ट या 9-10 के नियरेस्ट। 9-10, 8-10 का मतलब 80 और 9-10 का मतलब 90, किसके अधिक नजदीक है, इस दहाई के नजदीक है कि इस दहाई के नजदीक है। तो इसमें एक और बात ध्यान देनी है बच्चों कि सबसे पहले मेन ध्यान में आपको फोकस करना पड़ेगा, जैसे ये 2 जो है, ए अगर हाई तक अगर तो ये अपने पीछे वाले 10 में आ गया, मतलब ये 82 जैसे है तो ये 80 के अंदर है। अगर 5 या 5 से कम, अगर ये 6 हो जाता है, जैसे 86 अगर, तो ये 90-10 के अंतर्गत है। समझ रहे हैं, राउंड फिगर में लिखना है। अब यहां हमारा ए 2 है तो ए किस 10 के अंतर्गत है, राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10 क्या होगा इसका, 80 होगा। अगर अब जैसे मैंने कहा था ना कि अगर ये वाला वंश वाला स्थान, वंश वाला नंबर, इकाई के स्थान वाला नंबर, अगर ये 5 से अधिक है, 5 से अगर 5 या 5 से अधिक है तो ये अपने अगले टेंस में जाएगा, यानी ये जो 6 टेंस है ये 6 टेंस में ना होकर के 7 टेंस में होगा, यानी ये 70 की नियरेस्ट होगा। ध्यान देने वाली बात है, एक बार फिर समझ लीजिए, जैसे अभी 25 है या 26 है तो ये 20 के नियरेस्ट नहीं आएगा, 2-10 के नियरेस्ट नहीं आएगा, ये किस 10 के नियरेस्ट आएगा, 3-10 में चला जाएगा। यानी ये 30 के, अगर इसको राउंड फिगर में हमें लिखना होगा तो 26 को हम 30 राउंड फिगर में लिखेंगे, यानी 30-10 के पास, यानी 3-10 के पास, 30-10 नहीं 30 नंबर होगा और 3-10 उसको कहा जाएगा। अगर यहीं पर मान लीजिए अगर 24 है तो ये किसके किस 10 के नियरेस्ट होगा, ये 2-10, यानी इसका राउंड हाफ 10 होगा 20। 5 से ध्यान देना, 5 के नीचे, 5 के ऊपर, 5 और 5 के ऊपर, 5 से नीचे, अगर नीचे 4-3-2-1 है तो वो अपने पीछे वाले 10 में आएगा, अगर 5-6-7-8-9 है तो अपने आगे वाले 10 में होगा। तो यहां 82 है तो 82 है तो ये चूंकि 5 से कम है वंश वाला प्लेस, इसलिए राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10 होगा 80,
68 है, ये मैंने जैसा बताया 5 पे 5 से एवं वंश वाला होना चाहिए, तो ये अगले वाले टेंस में जुड़ेगा, तो ये 6 टेंस में ना आकर के यानी 60 में ना आकर के किस में जाएगा 70 हो जाएगा। अब यहां 22 है तो मैंने कहा कि वंश वाला स्थान देखेंगे, अगर ये 5 से कम है, 5 या 5 से कम है, 5 से कम है तो ये आएगा अपने लेफ्ट वाले टेंस में, तो इसका नियरेस्ट टेन होगा 20, ठीक है। अगर ये 5 या 5 से ऊपर होता तो ये जाता 30 के में, यानी 3 टेंस के नियरेस्ट। 10 का ध्यान देना, यानी यहां 80 70 20 हुआ, समझने की बात है, बढ़िया समझिए, थोड़ा सा इसमें मुश्किल जरूर होता है। अभी 32 है तो ये किसमें आ जाएगा 30 में, अगर यहीं पर 36 होता मान लीजिए तो ये किसमें चला जाता 40 चले, यानी 10 उधर जाएगा सीधे 30 से 40 या 40 से लेफ्ट 30। तो ए बी सी हमने यहां लिखा है 82 नियरेस्ट होगा 80 के और 68 नियरेस्ट होगा 70 के, नियरेस्ट 22 होगा 20 के नियरेस्ट, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप लोग बची हुई डी ई एफ जी एच आर जे के एल एम एन ओ को आप सॉल्व कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से करिएगा बढ़िया से और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, सावधानी से करिएगा इसमें, अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।